अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं बनाऊंगी अरहर की खिचड़ी। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप चावल, 1 कप दाल। बघारने के लिए थोड़ा सा लहसुन 6-7 कली, 1/2 टीस्पून जीरा, 2-3 सूखी मिर्च। मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं गार्लिक को ऐड करूंगी। गार्लिक इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, और मैं इसको सैटे कर लूँगी। ये गार्लिक जब हल्का सा सुनहरा हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। मगार मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दाल और चावल मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और पानी डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। ये दूसरा ग्लास पानी, 1 गिलास। मैंने इसमें पिंच भर हल्दी डाली, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तीन ग्लास में पानी डाला और इसमें प्रेशर कुक करूंगी। एक विसल आने पर गैस को धीमा कर देंगे। मैंने इसमें प्रेशर लगा लिया, 1 विसल हाई फ्लेम पर एंड 2 विसल मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद प्रेशर को बंद कर आ गई है और इसका प्रेशर भी निकल गया। अब मैं इसे खोलने जा रही हूँ। आप इसको हरी धनिया और लहसुन की चटनी के साथ खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको हरी धनिया और लहसुन की